very most important vegetative organ for photosynthesis. See the structure of leaf. The leaf. Okay. So in leaf, what kind of structure we have? Here we have this is stem, and this is what we have node. So leaf is developed from the node, and that has number of part. Okay. This is what we have, and this is what we have. Pseudapical meristem. Pseudapical meristem. Then in pseudapical meristem, also known as in short, what we call it, yeah. So origin of leaf. कहाँ से होगा वो लीफ का जो ओरिजिन है वो होगा कहाँ से स्टेम से ओके सूटिकल मेरिस्टेम से ओरिजिन होता है अब स्टार्टिंग में तो ये हो रहा है ओरिजिन अब ये डेवलप डेवलप फ्रॉम कहाँ से डेवलप होती है नोड से तो डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है डेवलप फ्रॉम तो ये होती है नोड से डेवलप होती है जहां जहां नोड होगी वहां पर आपका लीफ हो जाएगी एंड देन दे हैव बर्ड इन देयर एक्सिल ये क्या शो कर रहे हैं ये शो कर रहे हैं क्या बर्ड इन एक्सिल लीफ में ये महत्वपूर्ण होता है कि जहां लीफ निकलती है उसके एक्सिल में बर्ड जरूर होती है ओके तभी हम उसको बोल रहे हैं कि लीफ है नेक्स्ट जहां से लीफ स्टार्ट कर रहे हैं अपन उसको बोल रहे हैं लीफ बेस क्या बोलते हैं इसको हम और also known as hypopodium, hypopodium, okay? And the second part जो है ना ये आपको दिख रहा है thin, long structure. This is what we have. ये क्या है आपका? ये है petiole. Petiole और known as mesopodium. Okay. And then ये आपको दिख रहा है flattened structure you know this is what we call it broad structure ये आपका हो गया this is what we call it leaf blade क्या होते हैं इसको leaf blade बोलें और leaf lamina भी बोलते हैं leaf blade या leaf lamina एक ही बात है ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा ये क्या कहलाता है leaf blade या leaf lamina और also known as epipodium क्या बोलते हैं इसको epipodium hypopodium नीचे वाला हिस्सा नीचे बीच वाला है ना middle portion epipodium upper part ओके एंड जहां से लीफ निकल रही है वहां पे क्या होता है कुछ small leaf like structure also arises and this is what we call it stipule stipule how we can define a small leaf like structure the leaf bears kahan bears karte hain at the base so this is how small how many two small leaf like structure kahan hogi wo base pe hogi kahan hogi at the base स्टिप्यूल बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको स्टिप्यूल बोलते हैं ओके एंड देन लीफ ब्लेड क्या करता है लीफ ब्लेड ये कनेक्ट करता है ये पूरा लीफ है यहां से लेकर पूरा पार्ट है इसको लीफ कहेंगे जनरली व्हाट वी हैव इन आवर माइंड और फ्रॉम दिस मोमेंट दैट हम इसको लीफ बोलते हैं ये केवल लीफ नहीं ये पूरा यहां से स्टार्ट है ना तीन पार्ट है इसके हमने थ्री पार्ट मेजर थ्री पार्ट वन इज लीफ बेस अंदर वन इज पिटियोल एंड थर्ड वन इज leaf blade or leaf lamina so how many part we have so leaf it is lateral side mein chal rahi hai and then flattened structure okay lateral flattened structure and how many part that has three main parts kaun kaun se hain three main parts
एक है लीफ बेस, क्या है लीफ बेस और लीफ बेस और आल्सो नोन एज हाइपोपोडियम, हाइपोपोडियम भी इसी को बोल रहे हैं हाइपोपोडियम। एंड द सेकेंड वन व्हाट वी हैव पिट्यूल और मेसोपोडियम, मेसोपोडियम एंड थर्ड वन इज लीफ बेस लीफ लैमिना और लीफ ब्लैड और एपिकोडियम। ये तीन स्ट्रक्चर्स हो गए। अब देखिए इसमें पिट्यूल का फंक्शन क्या होगा, लीफ बेस क्या करता है, कनेक्ट करता है लीफ को, ये कर रहा है, ये कर रहा है कनेक्ट, क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है लीफ को किससे, टू स्टेम, ठीक है। स्टेम से कौन बेटर रखता है, लीफ बेस, ओके। पिट्यूल की जब हम बात करते हैं तो पिट्यूल में हम क्या पढ़ रहे हैं, पिट्यूल तो इससे थिन यू नो लॉन्ग स्ट्रक्चर, ये क्या करेगा, ये क्या करता है, इसको फ्लैटर्न करवाता है, फ्लैटर्ड लीफ लैमिना लीफ ब्लेड, फ्लैटरिंग होगा, हिलता रहेगा, उससे क्या होगा, उससे एक तो कूलिंग इफेक्ट देता है लीफ को भी, ठंडा ठंडा कूल कूल का एहसास होता है। दूसरा काम क्या है, ब्रिंग्स फ्रेश एयर ऑन द लीफ सरफेस, तो ये कैसा है, कैसा है, थिन है, ठीक है, सो इट इज थिन, कैसा है, थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर एंड दैट कनेक्ट, कनेक्ट करता है किसको, लीफ बेस को लैमिना से, लीफ बेस और इसको लीफ लैमिना को कनेक्ट करता है, ओके। क्या करेंगे ये फंक्शन, फ्लैटर, फ्लैटर मतलब उस लीफ को क्या करते हैं, ये हिलाते रहते हैं, ओके। हिलाने से क्या होगा, देन जब वो फ्लैटरिंग करेंगे तो क्या होगा, वहां पे ब्रिंग फ्रेश एयर, क्या करते हैं उसे, ब्रिंग फ्रेश एयर ऑन लीफ सरफेस, इससे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा, क्या हो गया, कूलिंग इफेक्ट, ओके। तो इसके ये दोनों फंक्शन हो गए पिट्यूट के, है ना। और ये क्या करता है, लाइट की तरफ रखता है, लाइट कहाँ से आ रही है, तो आप देखेंगे अरेंजमेंट, देखिएगा लीफ का, व्हेन यू सी द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ देन यू विल फाइंड द पिट्यूट का फंक्शन होता है कि लाइट उसको लीफ जो ब्लैड है लैमिना है उसको ऐसे रखें जिससे कि उसको प्रॉपर लाइट मिले। ये क्या करता है, ये लैमिना को क्या करता है, लाइट की तरफ, इसकी तरफ लाइट की तरफ रखता है, ओके। ये आपका हो गया इसके बारे में, पिट्यूल के बारे में। नाउ लीफ ब्लैड, सो दैट पिट्यूल दैट इज थिन फ्लैजुलर स्ट्रक्चर एंड दैट व्हाट इट इट डज इट होल्ड द लैमिना टू द लाइट, ओके। सो इट होल्ड लैमिना टू द लाइट, लाइट की तरफ। नाउ लीफ ब्लैड, सो दिस इज व्हाट वी हैव द बीन एक्सपेंडेड पार्ट एंड दैट हैज व्हाट, इसमें क्या होता है, बीच में देखिए ये क्या है, मिडरिब है, मिडरिब, इट इज आल्सो नोन एज प्रोमिनेंट वेन, मिडिल में है और कैसी है, प्रोमिनेंट वेन है, मिडिल प्रोमिनेंट वेन इज कॉल्ड मिडरिब एंड दे हैव, दिस इज व्हाट वी हैव vein and this is what we have veinlets, इसमें क्या होता है, vein और veinlets होते हैं, midrib होता है, middle prominent vein जो है उसको होता है midrib, ये लिखा है आपको, this is in middle midrib होता है, इसमें क्या है, कैसे define करेंगे इसको हम, it is what we have that is green expanded part, okay। Then next what we have, it consists midrib and
दैट हैव मिडरिब, वेन एंड विनलेट्स, वेन एंड विनलेट्स. ओके, नाउ मिडरिब इज व्हाट? मिडिल प्रोमिनेंट वेन, ऐसी है, बीच में है, प्रोमिनेंट है वेन एंड वेन एंड विनलेट्स. तो ये जो मिडिल जो मिडरिब है वेन विनलेट्स, ये करते क्या है? ये क्या करेंगे, यहाँ से जो वाटर वगैरह आएगा उसको उधर भेजेंगे, वाटर को उधर भेजेंगे, और जो फूड बनेगा उसको उसको उधर भेजेंगे. कुल मिलाकर इसमें होते हैं जाइलोमेटोए कंडक्टिव टिश्यूज. सो दे ट्रांसपोर्ट व्हाट? दे ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल और फोटोसिंथेसिस. Now, what is the function of these midrib, vein and veinlets? So basically, they provide rigidity. Rigidity देते हैं. Next क्या है? Rigidity के साथ साथ आप देखें, ये act as a channel. Channel इन तरह काम करते हैं, transport करते हैं किसका? Water, minerals and food material. So they act as a channel. ट्रांसपोर्ट, इसको ट्रांसपोर्ट करना है वाटर वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल. ये उसे अब यदि हम देखें लीफ जो लैमेला जो है कई तरह की होती है ना, इट वेरीज, डिफरेंट टाइप के लैमेला होते हैं, डिपेंड ऑन इनका 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 शेप कैसा है ना, मार्जिन कैसा है, अपेक्स कैसा है, सरफेस कैसी है एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन. इसके बेसिस पर लैमेला जो है वो कई तरह की होगी. ओके, नाउ लैमेला जो है वो that can be varies plant to plant. अब variation किसके आधार पर है, इनका shape कैसा है, ठीक है, and then उनके margin कैसा है, margin, okay, apex कैसा है, surface structure कैसी है, and incision of extent of incision. तो इनके बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये लैमेला कई तरह के होते हैं. ओके, एंड देन द लीफ इज व्हाट? मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन, इसलिए लिख सकते हैं इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस. इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करेंगे. ओके, फॉर्मेशन ऑफ फूड. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एक्सिलरी वर्ड. ये क्या दिख रहा है आपको? एक्सिलरी वर्ड, बट आगे जाके क्या करेगी, या तो ये दांत बनाएगी या फिर फ्लावर बनाती है. एक्सिलरी वर्ड दांत या फ्लावर बनाती है, ध्यान रखना पड़ेगा. स्टिकली क्लियर, द टू स्मॉल एक्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर करेंगे लेटरली, यू नो उसको बोल रहे हैं the leaf base. ये आपको हो गया जनरल आइडिया अबाउट द लीफ. नाउ वेनेशन इन लीफ, वेनेशन व्हाट वी हैव सीन, वेन्स वेनलेट्स मिडरिब. सो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इज कॉल्ड वेनेशन. एंड हाउ वी कैन डिफाइन इट, अरेंजमेंट ऑफ जो वेन है एंड विंगलेट्स इज कॉल्ड वेनेशन. ओके, सो इन द फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी आई हैव सेड यू नो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द प्लांट इज डाइकॉट और मोनोकॉट. सो डाइकॉट दैट हैज रेटिकुलेट वेनेशन. तो इसमें क्या है,
टाइप्स ऑफ नेशन, क्या बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ नेशन। सो बेसिकली नेशन इज टू टाइप्स, हमारी टाइप टू टाइप इस तरीके से होगा। वन इज रेटिक्युलेट वेनेशन, अनदर वन इज रेटिक्युलेट वेनेशन, अनदर वन इज पैरेलल वेनेशन। ओके, इन रेटिक्युलेट वेनेशन व्हाट वी हैव द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, कैसे बना रहे हैं वो नेटवर्क, एक जाल सा फैला रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ सी You might have seen the people leaf, mean, the bean, vineyards, midriff, okay. So this is what we have, they show what the network like structure, okay. So that is found, example, where it is found in dicotyledon plants, okay. So aapka example hum quote kare, so people, mango, नीम, मस्टर्ड। तो आपने आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनको देखें, लीव्स देखें और फिर देखें उनकी किस तरीके का उनमें वेरिएशन है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई वेदर द प्लांट इज डाइकॉट और मोनोकॉट। ओके, सो इन पैरेलल वेरिएशन, पैरेलल में क्या है, सी बनाना लीव, this is midriff, here we have these veins are parallel to each other within lamina, is lamina mein kehte hain aapko parallel connection mein kya dekh rahe hain, so veins jo hain they are veins are kaisi hain wo hain parallel to each other within lamina, जो लेमिना है या हम कहें लीफ ब्लेड है उसमें पैरेलल होती है। ओके, ये कहां होता है, दैट इज फाउंड वेयर इन मोनोकॉट, एग्जांपल कौन सा हो गया इसका मोनोकॉट। आप इवन ग्रास में आप देखेंगे तो ग्रास में क्या होगा, ग्रास में भी ऐसे रहेगी लाइन, ये देखिए, ठीक है, उसमें भी ये रहेगा, तो मोनोकॉट ये आपका हो गया, ठीक है, दीस लाइंस आर दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। मोनोकॉट में भी यही होता है, आप देखें ग्रास में, ओके, सुगर केन एग्जांपल देखो, आपका सुगर केन में भी रहेगा, मेड वीट, मेड में, वीट में, राइस में, मिलेट्स, ये रहेंगे, तो दीज आर व्हाट वेनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ दिस वन। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, as I said the leaf arises from the originate from stem to that meristem and they are arranged in atropetal manner, kaise arrangement hota hai, they arrange arrangement jo hai unka atropetal manner, atropetal means the new leaves hai wo hamesha top pe rehti hai, old leaves नीचे रहेगी, इसमें क्या होगा, यहाँ कौन सी रहेगी new leaves, okay, यहाँ पे कौन सी रहेगी old leaves, okay, so this arrangement is called atropetal manner, done, well, today we are going to discuss about types of leaves. When you talk about types of the leaves are two types, simple and compound. इज डिपेंड ऑन वट, इज डिपेंड ऑन इंसीजन, इंसीजन मतलब होता है कटाव, से फॉर एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज वॉट वी हैव सिंपल लीफ, ओके, एंड देन दिस लीव इज कट इट डाउन यू नो इन स्मॉल पार्ट लाइक, सो इट बिकम्स कंपाउंड। ये आपका कंपाउंड लीफ हो गई,
इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट, इट इज कॉल्ड मिडरिब। तो जो इंसीजन है, जो कटाव है, वो मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो सिंपल लीफ हो गई। तो ये कौन सी लीफ हो गई, दैट इज सिंपल लीफ। ओके, एंड देखिए ये कटाव जो है कट के कहाँ पहुंच गया, मिडरिब तक पहुंच गया। अब इसको हम जो कॉमन एक्सेस है इसको बोलेंगे हम रैचिस। क्या बोलते हैं इसको, हम रैकिस कहते हैं, और इनको हम क्या बोलेंगे, नाव। दिस इज कॉल्ड लीफलेट। क्या बोलते हैं इनको, लीफलेट बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इंसीजन रीच अप टू, कहाँ पहुँच गया है, मिडरिप तक। मिडरिप तक पहुँच गया है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। कौन सी लीफ हो गई ये, कंपाउंड लीफ। ओके, कंपाउंड लीफ। देर इज सिंपल में क्या हुआ, देर इज नो इंसीजन, और वी कैन से इंसीजन नॉट रीच अप टू, नॉट रीच अप टू, अप टू मिडरिप, मिडरिप तक नहीं पहुंच पाता है, इसे कहते हैं हम सिंपल लीफ। ओके, अब हाउ वी कैन सी नीम प्लांट, यू माइट हैव सीन नीम प्लांट में जो होती है, तो हम कहते हैं उनको नीम की पत्ती, बेसिकली वो पत्ती नहीं है, वो क्या है, लीफलेट है। ओके, सो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द लीफ एंड लीफलेट। तो इसमें क्या होता है कि लीफ जो होती है उसके एक्सिल में यहाँ पर बड जरूर होगी। ओके, दिस इज व्हाट, एक्सिलरी बड। ओके, सो लीफ यहाँ से मानेंगे हम, दीज आर लीफलेट, ये पूरी लीफ है, इस पूरी को हम क्या बोलेंगे, ये बेसिकली देखा जाए तो ये पूरी लीफ है, तो इसका एक्सिल यहाँ पे हुआ। हाँ, तो चाहे कंपाउंड लीफ हो चाहे वो सिंपल लीफ हो, दोनों के एक्सिल में, ये एक्सिल में क्या पाई जाती है, बड इन एक्सिल। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं वो सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ। ओके, देखो, सो टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ इंसीजन, बेसिस ऑफ इंसीजन, इंसीजन मतलब क्या बात कर रहे हैं, कटाव की। क्या इंसीजन मिडरिप तक पहुंच जा रहा है, इंसीजन डू नॉट रीच, इंसीजन जो है मिडरिप तक नहीं पहुंचता है, अप टू मिडरिप। ओके, भले ही उसमें इंसीजन हो, देखो जैसे हम बात करने चलिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको इंसीजन, इस तरह के लीफ हम बना सकते हैं, इस तरह के लीफ हम बना सकते हैं। तो इस लीफ में भले ही इंसीजन है, देखिए दिख रहा है आपको इंसीजन, ये देखिए यहाँ तक ये कटाव दिख रहा है आपको, लेकिन ये कटाव कहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, मिडरिप तक। दिस इज व्हाट वी हैव, मिडरिप। इस तरह की लीफ क्या कहलाती है, दिस इज व्हाट वी हैव, सिंपल लीफ। नाउ सी कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ में मिडरिप तक पहुंच जाता है, और तो ये देखा जाए कंपाउंड लीफ भी दो तरह की होती है, एक होती है पिनेटली कंपाउंड और एक होती है पामेटली कंपाउंड। ओके, सो पिनेटली कंपाउंड में क्या होगा, देखो इस तरीके से रहेगी, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर देयर, ये क्या है, लीफलेट्स है, और ये आपका बड है, बड इन एक्सिल, यहाँ पे बड होगी, लेकिन यहाँ पे बड नहीं होगी, लीफलेट में बड नहीं होती है। ओके, व्हाट आर दीज, दीज आर लीफलेट, दीज आर लीफलेट्स। तो ध्यान रखा जाए, लीफ में बर्ड होगी लेकिन लीफ के एक्सिल में बर्ड होगी, लेकिन लीफलेट के एक्सिल में बर्ड नहीं होगी। तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा, इसमें एग्जांपल आ जाएगा नीम, नीम में कैसा होता है, पिनेटली कंपाउंड, पिन्ना। पामेटली, पाम, पाम बोलते हैं, तो पाम में क्या होगा, इसमें भी इंसीजन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सभी जितने भी लीफलेट्स हैं वो यहाँ जुड़े रहते हैं ऐसे, इस तरीके से। ओके, ये लीफलेट्स हैं, ये कहाँ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं कॉमन पॉइंट पे,
कहाँ जुड़े हुए हैं, कॉमन पॉइंट। और कॉमन पॉइंट क्या है, दैट इज व्हाट, टिप ऑफ पिट्यूल, टिप ऑफ पिट्यूल। ओके, पिट्यूल के टिप पर लगे होते हैं। ये कॉमन पॉइंट क्या है, यही लिख देते हैं। ये कॉमन पॉइंट क्या है, दैट इज टिप ऑफ पिट्यूल। ओके, ये देखिए इसमें कौन सा आएगा आपका, इसमें आएगा सिल्क कॉटन। ओके, सिल्क कॉटन, यह समझ लो। सुप्रीम कोर्ट, आजकल सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त डिसीजन ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मार दिया, पाम थप्पड़ हथेली ऐसे कर लो तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, पाम इटली सुप्रीम कोर्ट। नीम में तो आप जानती है पिनेटरी कंपाउंड होता है, और ये है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, फिलोटैक्सी मीन्स व्हाट, फिलोटैक्सी में हम क्या पढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांचेस, हाउ वी कैन डिफाइन इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और मे बी ब्रांचेस। ओके, सो इन फिलोटॉक्सी देयर इज थ्री टाइप इज देयर, हाउ मेनी टाइप, थ्री टाइप। ओके, किस तरीके से अरेंज होती है, वो तीन तरीके से हैं, थ्री टाइप इज देयर। So these three types is what, one is alternate, okay, and another one is opposite, okay, and the third one is whorl, okay. So in alternate what we have, see, alternate में क्या होगा, each node, see, one node one leaf, see, यहां पे क्या हो रहा है, एक नोड से one node and one leaf, यानी कि एक नोड से एक लीफ अराइज होगी। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल अल्टरनेट। अपोजिट में क्या होगा, अपोजिट में ईच नोड दैट हैज The pair of leaves, क्या कर रहे हैं ये, वन नोड एंड हाउ मेनी लीव्स, टू लीव्स फ्रॉम द ईच नोड, और वी कैन से पेयर ऑफ लीव्स। ओके, एंड देन पेयर ऑफ लीव्स, एंड इन वर्ल्ड व्हाट वी हैव, सिंगल नोड नंबर ऑफ लीव्स आर राइजेस from the single node. Okay, so this is what we call it world. Now one node and then many leaves. Okay, so it depend on how many leaves are arises from the each node. Okay, three types depend on leaves arises from one node. Okay, एक नोड से कितनी लीफ अराइजेस हो रही है। अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल। सो अल्टरनेट का एग्जांपल है एमएससी, ओके, दैट इज मस्टर्ड, देन सनफ्लावर एंड चाइना रोज। ओके, एमएससी, ओके, इन अपोजिट व्हाट वी हैव, अपोजिट अल्टरनेट अपोजिट में कौन सा आएंगे, सी जी अपने चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ में क्या क्या आएगा, कैलोट्रॉपिस जिसे कहते हैं आंख पकौआ। ओके, देन गुआबा अमरूद आ गया, तो ये आपका आ गया सी एंड देन जी। वैसे भी डीएनए में देखा होगा सी और जी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में क्या आ गया, ईच नोड दैट नंबर ऑफ लीव्स राइजेस फ्रॉम द सिंगल नोड, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ गया एलेस्टोनिया एंड नीरियम भी आ जाएगा, नीरियम में भी ऐसा होता है।
एनसीईआरटी के एग्जांपल एलेस्टोनिया है, ये सब हैं, ये हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहीं पे कि जित एक हमारा मित्र था, ट्रिक समझ लें, एक आलसी मित्र को, आलसी था, उसको मैंने एमएससी करने के लिए कहाँ भेज दिया, चंडीगढ़ भेज दिया, है ना। कैसा था वो आलसी, ALS, ठीक है, एमएससी करने कहाँ भेज दिया उसको हमने, चंडीगढ़। तो ये आ गए एमएससी अल्टरनेट वर्ल्ड एंड देन एंड अपोजिट, ओके। वैसे इन ज़्यादा सी जी के अपोजिट होता है, ऐसे देख लेंगे। और एक चीज़ मैं ट्रिक बता दूँ आपको, कई बार बच्चे बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये बहुत सारे नाम आ जाते हैं, फिर पूछते हैं अल्टरनेट कौन से हैं। तो जितने भी फैमिली आपके सिलेबस में हैं, सभी में कैसा है, अल्टरनेट टाइप ऑफ लीव्स हैं। तो ऑल फैमिली लाइक, चाहे आपका क्रूसीफेरी हो, सभी में ऐसे रहेगा, ओके। देन फेवेसी हो, सोलेनेसी है, और आपका लिलियसी है। जितनी भी आपके एनसीईआरटी में फैमिली दे रखी है, सभी में कौन सा है, अल्टरनेट है। तो इनके जितने भी मेंबर हो, सभी में कैसा होगा, अल्टरनेट होगा, ओके। तो ये आपका हो गया अबाउट फिल्लो टैक्सी। फिल्लो मीन्स लीव, टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लीव, ओके, डन। एज वी नो द लीव, द मेन फंक्शन ऑफ द लीव इज फोटोसिंथेसिस। अपार्ट फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, द लीव डू एन नंबर ऑफ फंक्शंस। तो वो क्या फंक्शन है, उसके बारे में हमें देखना होगा। सो मॉडिफिकेशन, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, क्या क्या फंक्शन है इसके, फोटोसिंथेसिस के क्या क्या, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा और क्या फंक्शन है, ठीक है। सो नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर लाइक फॉर क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग के लिए क्या है, द लीफ मॉडिफाइड इंटू यू नो लीफ ट्रेंडल, लीफ ट्रेंडल, ट्रेंडल आपने देखा होगा इस तरीके से, इस टाइम में बताया था। तो ट्रेंडल क्या है, ट्रेंडल होते हैं क्लाइंबिंग के लिए। तो एग्जांपल कौन सा आ जाएगा आपका, पी में, पी में होते हैं लीफ ट्रेंडल होते हैं, जो उसकी क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे, ओके। स्टेम टेंडल, स्टेम के पार्ट हैं, एक्सिलरी वर्ड के पार्ट हैं, यहाँ पी में लीफ टेंडल होता है, ओके। देन सेकंड वन इज फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए देखिए, तो कैक्टस में, ओपनसिया में, ओपनसिया कैक्टस, इनमें क्या होता है, द लीफ मॉडिफाइड इंटू स्पाइन, लीव क्या होता है, मॉडिफाइड हो रही है इसमें, स्पाइंस में, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, क्यों हो रही है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, ओके, ठीक है, चरने वाले जंतुए हैं उनसे रक्षा के लिए, ओके। देन फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज में हम क्या पढ़ेंगे, अनियन, गार्लिक, प्याज और लहसुन की जो लीफ हैं, फ्लैसी लीव्स हैं, उनमें फूड स्टोरेज होता है। सो एग्जांपल, दीज आर एग्जांपल, एग्जांपल व्हाट, अनियन एंड देन गार्लिक, सो दे हैव व्हाट, फ्रेशी लीफ विच स्टोर फूड, ओके। एंड देन फिल्लोड, फिल्लोड क्या है, फिल्लोड होते हैं, एग्जाम्पल कहाँ होते हैं, ये होते हैं ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए अकेसिया, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीव्स होती हैं, लेकिन लीव्स कैसी होती हैं वो, इसमें क्या होता है, लीव्स जो होती हैं, लेकिन लीव्स कैसी होती हैं, दीज लीव्स आर शॉर्ट लिव्ड, कैसी होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ओके। एंड देन
जो इसका पिट्यूल वाला पार्ट है, पिट्यूल, अब क्या होगा, पिट्यूल जो है इट विल एक्सपेंड, एक्सपेंड हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर हो जाएगा तो क्या करेगा वो, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या करेगा वो, देन इट फॉर्म व्हाट, फूड। तो इसमें फूड जो है ग्रीन कौन हो रहा है, पिट्यूल। सो पी फॉर पिट्यूल, पी फॉर फिल्लोड, ऐसे याद रखना है। और एग्जांपल डायरेक्ट आते हैं तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ओके। प्रोटेक्शन के लिए हमने देखिया अपनसिया, ओपनसिया में, कैक्टस में, और वी कैन से फॉर डिफेंस, सुरक्षा के लिए, ओके, फॉर डिफेंस। एंड देन नेक्स्ट आपकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है, अब देखिए इसमें हम जानते हैं कि लीफ में तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, तो इसमें ये देखिए आप, एंड देन पिचर प्लांट, सी फॉर एग्जांपल वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ओके। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस, ये पिचर प्लांट दिखा रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट, पिट्यूल, और ये क्या है, ये है लेमिना, लेमिना मॉडिफाइड होगी, ये पिचर बना लिया, दिस इज व्हाट पिचर प्लांट में इस तरीके से होगा। और भी हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि दे आर ग्रीन इन कलर, तो फिर इंसेक्ट को क्यों खा रहे हैं, व्हाई दे आर इंसेक्टिवोरस। तो इनमें क्या हो, ये जहाँ पर पाए जाते हैं मार्सी एरिया में, है ना, जहाँ पर दलदल होता है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, किसके लिए होते हैं ये सब, ये सब क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को, नाइट्रोजन जो डेफिशिएंट होती है उसको, उसको कंपनसेट करने के लिए इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, उनको दूर करने के लिए क्या करते हैं, और पूरा करने के लिए इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्टिवोरस हो गए, ओके। देन तो ये कहाँ होता है, सीथ में, तो हम जानते हैं, देखिए ये क्या है स्टेम, यहाँ पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं दिस इज व्हाट वी हैव लीफ बेस, तो लीफ बेस क्या करता है, एक्सपेंड हो जाता है, इसको कवर कर लेता है स्टेम को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द लीफ बेस दैट विल, व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक्सपेंड एंड कवर स्टेम, कैसे, पार्शियली थोड़ा सा कवर कर लेगा, या फिर और होली, मतलब कम्प्लीटली, ठीक है, पार्शियली या कम्प्लीटली, तो इसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं सीथ, एक्सपेंड इनटू सीथ, ठीक है, तो ये सीथ बनाते हैं, एंड सीथ प्रेजेंट वेयर इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में सीथ आपका दिख जाएगा। आपने घास देखा होगा, घास में दूब घास देख लें तो उसको आप हटा के देखेंगे तो उस पर कवरिंग रहती है, कवरिंग दैट इज व्हाट, सीथ है वो, ओके। देन अनदर एग्जांपल व्हाट वी हैव इन लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट में क्या होता है, लेग्यूम प्लांट में जो लीफ बेस है ये क्या होता है, सॉइल फूल जाता है, एंड देन दिट फॉर व्हाट, पल्वाइनस, इसको क्या बोलते हैं, पल्वाइनस बोलते हैं, तो पल्वाइनस कहाँ होता है, सम लेग्यूम प्लांट, सम लेग्यूम प्लांट, तो यहाँ पर सॉइल अप हो रहा है, पल्वाइनस लेग्यूम प्लांट, सीधे क्वेश्चन है, सीथ कहाँ होती है, मोनोकॉट में, लीफ बेस के मॉडिफिकेशन है, ओके, दिस इज व्हाट वी हैव द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ के पार्ट अगर हम देखें तो ये लीफ के पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इनमें तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, लीफ बेस होता है, ये दिस इज लीफ बेस, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट, सेकंड वन इज पिट्यूल, एंड द थर्ड वन इज लेमिला, और लीफ ब्लैड, क्या बोलते हैं इसी को हम, लीफ ब्लैड। तो इसमें यहाँ पे स्टिप्यूल क्या होते हैं, द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल, एंड देन
तो यहाँ पर दोनों साइड में इस साइड लग रही, इसको क्या बोलते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। एंड हमेशा देखते प्लांट्स जो 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 लीफ है, लीफ के लीफ बेस पर या इसके एक्सिस में, एक्सिस में क्या रहेगी, हमेशा एक बर्ड रहेगी जिसे कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। वो लीफ सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, दोनों में ही एक्सिलरी बर्ड उनके एक्सिल में रहेगी, एक्सिल में, ओके। एक्सिल मतलब उनके कक्ष में, यहाँ कक्षा होगी इस तरीके से, ओके। तो ये सिंपल लीफ के एग्जाम्पल है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वेनेशन के बारे में, ओके। सो वेनेशन, सो व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन, वी हैव टू टाइप ऑफ वेनेशन। देखिए इसमें ये वाली जो है ना, इसको बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं इसको, मिडरिब। यहाँ जो चल रही है ये है वेन्स, और इनसे छोटे छोटे और निकल रही है, देखिए वेन वेन्स, और इनसे और छोटे छोटे निकल रही है, इनको बोलते हैं वेनलेट्स। क्या बोलते हैं, वेनलेट्स। ये क्या हो गया वेन, और ये क्या हो गया वेनलेट्स, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो नेटवर्क बना रही है, क्या बना रही है, वो नेटवर्क। इस तरीके की वेनेशन क्या कहलाता है, रेटिकुलेट वेनेशन। और ये कहाँ होता है, डाइकॉट प्लांट में। आप आसानी से बता सकते हैं यदि रेटिकुलेट वेनेशन है, डाइकॉट प्लांट है, ओके। यहाँ पे देखो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, कैसा वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कहाँ होता है, मोनोकॉट में, ओके। तो मोनोकॉट में होता है पैरेलल वेनेशन, तो ओके। तो इस तरीके से आप पहचान पाएंगे कि कौन कौन से हैं रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। सबसे अच्छे तरीका है लीफ्स को पहचानने का, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल लीफ एंड देन कंपाउंड लीफ, ओके। कंपाउंड लीफ क्या होती है, जो मिडरिब है ना, इसमें इंसिजन हो गया। अब ये क्या है, ये है लीफलेट्स। क्या होते हैं इसमें, लीफलेट्स होते हैं, ओके। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे यो जरूर होगी, बर्ड जरूर होगी, इनके एक्सिल में बर्ड जरूर होगी। यहाँ पे भी क्या होगा, ये जरूरी है, बर्ड है, ओके, इनके एक्सिल में। अब ये कैसा है, ये पिनेटली कंपाउंड है। एग्जाम्पल नीम, देखिए नीम की पत्ती हम बोलते हैं, नीम की पत्ती नहीं है ये क्या है, लीफलेट है। पत्ती तो इस पूरे को कहेंगे हम, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना मिडरिब, जो पहले कभी मिडरिब हुआ करता था, अब क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं रैटिस, ओके। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी लीफलेट है, क्या है, ये लीफलेट है। लीफलेट है तो कंपाउंड लीफ होगी, ओके। बट दे अटैच टू द कॉमन पॉइंट एंड दिस इज व्हाट, टिप ऑफ पेटियोल, क्या है ये, टिप ऑफ पेटियोल पे वो अटैच है, ओके। इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट, ओके, नाउ फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी व्हाट वी कॉल इट, फिलोटैक्सी, ओके। सी फिलोटैक्सी क्या होगी, अल्टरनेट, अल्टरनेट में वन नोड वन लीफ, ओके, वन लीफ। देखो यहाँ पे एक नोड से एक लीफ, ये दूसरी लीफ, तीसरी लीफ, चौथी लीफ, इस तरीके से वन नोड वन लीफ, और अल्टरनेट है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर अल्टरनेट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसमें आएगा आपका एमएससी अपने ट्रिक बताइए आपको, मस्टर्ड सनफ्लावर एंड चाइना रोज। गुआवा में क्या होता है, वन नोड टू लीफ, वन नोड हाउ मेनी लीफ एंड बोथ आर अपोजिट, तो ये कौन सा हो गया, अपोजिट, ओके। इसमें आपका सी जी चंडीगढ़, ओके। देन एलस्टोनिया, वन लो वन नोड एंड मेनी लीव्स, ओके, एलस्टोनिया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट, रोड वर्ल्ड हो गई, ये हो गया एलस्टोनिया में। कहाँ होता है ये, एलस्टोनिया एंड नीरिया में, वेल नीरिया में भी होता है, ओके। वेल मॉडिफिकेशन लीफ के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें क्या है कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे टेंडल, टेंडल क्या है, ये लीफ टेंडल है लिखा है ना, लीफ टेंडल कहाँ होते हैं, पी में। ये किसके लिए होते हैं, क्लाइंबिंग के लिए, किसके लिए होते हैं ये, दे आर फॉर क्लाइंबिंग। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पाइंस, स्पाइंस कहाँ होते हैं, कैक्टस में। तो ये क्या के लिए होते हैं, फॉर डिफेंस, ओके, डिफेंस और प्रोटेक्टिंग, दे प्रोटेक्ट थ्रू व्हाट, फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स, व्हाट आर दीज स्पाइंस, ओके। कैक्टस फ्लैसी लीव्स इन ओनियन, अनियन में फ्लैसी लीव्स होती हैं, तो ये क्या के लिए है, दे आर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिफरेंट यू नो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स अदर देन फोटोसिंथेसिस फंक्शन।